कहाँ जाती हैं आप? गाँव। कितनी दूर जाना पड़ता है? रोड पे जो है ना, रोड। तो रोज कब फेंकती हैं आप पानी? रात में फेंका, दिन भर इकट्ठा करती हैं? जहाँ आज पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं छोटे छोटे गांवों में देखने में आता है कि यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो पूरे गांव के अंदर कहीं भी नालियों की व्यवस्था नहीं है, और जो भी नालियाँ पहले थीं वो टूट चुकी हैं। अब यहाँ के लोगों को अपने दरवाजे पर ही गड्ढा खोदकर पानी इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे बहुत सारे मच्छर और मक्खियाँ पैदा होते हैं और बदबू। अगर आप आगे भी गांव में जाकर कहीं भी देख लें, कहीं भी रोड की व्यवस्था नहीं है। खासकर जहां बच्चे स्कूल जाते हैं वो रोड तो पूरी ही ख़राब है, और वहां कोई भी नालियाँ नहीं है जिसमें हमेशा कीचड़ और पानी भरा हुआ होता है। यदि नाली नहीं बनी और जी के दूरन में जा सो भी ले ले लठ मारे हैं, अब पानी भर जाए थे आपको तो हम रोके तो भी कहना से रोड पे भरो, कौन कहूँगा कहो भरो रोड पे भरो। वहाँ ना सु चौथाइयाँ भिड़ा थी ना भिड़ा थे बैठी हुआ ये तो पानी भरो हो तो वहाँ ना तो भिड़ा लो जाए। नाली नहीं बनाई है सरपंच ने, पानी भरा है जी, पानी इकट्ठा हो जाता जो यहाँ पे, तो फिर इससे क्या बीमारी नहीं होती आप लोगों को? मच्छर काटता है, मलेरिया बनता है, वो बुखार चढ़ता ही ना, दूर बैठने पर मच्छर काट रहे हैं जी। जब पानी जो रहता है भरा हुआ, इसको फिर जो गड्ढों में भरे, आप लोग इसको कहाँ फेंकती हैं फिर? बाहर मेंकने दूर जाने किसके दरवाजे जाए, रात के मेंकते हैं। सरपंच से शिकायत की आपने? सरपंच नहीं कई करा। कौन है आपके यहाँ का सरपंच? नाली बनी है और नहीं बनी भी नहीं, सब पूर दई। किन्ने पूर दई? अब जिनके द्वारे में है। कैसी बनी थी यहाँ नाली? अब पानी नहीं बहा, तू पानी नहीं जा रहा हो, तू पानी बिल्कुल निकाल ही नहीं रहा हो, तो जो नाक को ढाल है तो वहाँ से वो पड़ गो। कभी शिकायत की आप लोगों ने सरपंच से? ना, सरपंच को कोई शिकायत नहीं की हम लोग। क्यों नहीं की शिकायत आप लोगों ने? वे सुनता ही नहीं है, तो कहा कर शिकायत करते हैं। तो जी कटरा गांव की जो नालियां हैं, तो क्या ये पास हो गई हैं? पास हो गई है नाली, मैंने फायदा बनवा ली है। कब से बनना स्टार्ट होंगी ये? त्योहार निकल जाए तो काम चालू होना है उसका नालियों का। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।